Hello, all of you. So uh, today's video lecture is on solid state Cet solving. So let me tell you, I have selected some questions from Marvels, new wala Marvel, and uh, some questions I have added here in PPT, and will solve those questions. Uh, different different questions, different different type ke questions. I have here, and सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल डू इट इन होमवर्क ठीक है एंड अगर कुछ तुम लोग को होमवर्क में डिफिकल्टी आता है तो फिर यू कैन आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर ठीक है सो स्टार्ट करते हैं सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सॉलिड स्टेट एनिट्रॉपिक वॉट इज एनिसन यू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर क्या आता है प्रॉपर्टी जस्ट अट

सीओ टू बिलोंग्स टू सीओ टू अभी सबसे पहले सीओ टू जो है जस्ट अबसे पहले इसका नेचुरल स्टेट गैस है एंड वेन वी कन्वर्ट दिस सीओ टू टू सॉलिड स्टेट तो वो कौन से क्रिस्टल फॉर्म करता है तो वेन इस उसका नेचुरल स्टेट इज नॉट अ सॉलिड स्टेट बट इट इज

कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है दोर्स द मेजर फोर्स इट इज विच फोर्स इट इज अ कोवलेंट डायमंड हो ग्रेफाइट हो दिस आर दवलेंट सॉलिड्स सो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नेक्स्ट क्वेश्चन द लंडन फोर्स आर प्रेजेंट बिटवीन So, London force is present between the non-polar molecule. So, it is hydrogen molecule. Next question: A smallest portion of space lattice which can generate the crystal by repeating its dimension is unit cell. So unit cells. Jo सॉलिड होता है इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट सेल मेनी यूनिट सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेस लैटिस तो स्पेस लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है यूनिट सेल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डायमंड। मेटालिक क्रिस्टल कोवलेंट क्रिस्टल आयोनिक और मॉलिक्यूलर सो इट इज दी नेटवर्क डेंस नेटवर्क होता है कार्बन का प्रेजेंट इन अ डायमंड सो इट इज कमिंग अंडर कोवल क्रिस्टल्स। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्फ पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट सो एफ सीसी के अंदर पॉइंट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सो इफ नाउ इफ आई ड्रॉ अ क्यूब So, atoms are present in the center of every face and on the corners. Correct now, all of you? So, corners and the face centered of unit cell.

FCC 4. In simple cube, we have already studied in bold lecture in simple cube, one atom. In body centered cube, there are two atoms. And in face centered cube, there are four atoms. Unit cell present in ABC ABC type of packing of atom is. एबीसी 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 में कौन सा यूनिट सेल होता है इट इज इट इज फेस सेंटर्ड क्यूब और यू कैन से इट इज क्या बोलते हैं सीसीपी क्यूबिकल क्लोस्ट पैकिंग यूनिट सेल प्रेजेंट इन एबीएबी डैश क्लोज पैकिंग ऑफ एटम इज कौन सा होता है एबीए बी में हेक्सागोनल क्लोस्ड पैकिंग होता हैगॉन बनता है ओके नेक्स्ट स्लाइट करते हैं इन दी स्पेस इन एच सी पी दी स्पेस इन एच सी पी एच सी पी में एच सी पी में पैकिंग कितना होता है सेवेंटी फोर परसेंट पैकिंग होता है तो वॉइड कितना है एम टी स्पेस कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स परसेंट सो आंसर इज ए नंबर ऑफ ये वी विल स्कीप दिस क्वेश्चन नियरेस्ट नेबर एंड ऑल इज नॉट देयर इन अवर बोर्ड सो विल स्कीप दैट क्वेश्चन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट पर स्पीय इन एफ स्ट्रक्चर इज So, octahedral sides per FCC. So, let me uh, revise that concept of voids and atoms. So, suppose if you have N atoms. If you have N atoms. So, tetrahedral voids are 2N. And octahedral voids are N. So, for example, if you have 10 atoms.

टेट्राइड्रल वर्ड्स रहेंगे एंड फोर ऑक्टाहीड्रल वे सो फॉर फोर एटम्स यू हैव फोर ऑक्टाहीड्रल वो फॉर वन एटमल नंबर ऑफ टेट्राहड्रोसाइट पर लिए फॉर फोर एटम्स यू हैव एट टेट्राहेड्रल वॉइड तो एक एटम के लिए कितना एट डिवाइड बाय फोर दैट इज टू ओके विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग

एक्स वर्ड्स होंगे बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है टू थर्ड इज ऑक्यूपाइड टू थर्ड इज ऑक्यूपाइड सो इट विच टू थर्ड इनके अभी हम लोग रेशियो ले ले लेते हैं ए इज टू बी का दिस इज एक्स एंड दिस इज टू थर्ड इन टू एक्स 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 कैंसल सो इट विज टू टू तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या आएगा ए थ्री बी टू so a3b2 is nothing but c option we'll move on to next question all of you

of 8 corners are occupied by atom A. So, A jo hai, it is occupying 7 by 8 corners. And center of faces are occupied by B. This face occupy. hai. So, general formula of compound is

बी ट्वेंटी फोर सो ये कौन सा ऑप्शन है ना सो ऐसे क्वेश्चन एंड आयन कंपाउंड ए एक्स बीवाई अकर्स इन एफ सी सी टाइप क्रिस्टल ठीक है एफसी टाइप का क्रिस्टल है बी आय एट देंटर ऑफ इच फेस बी किधर है सेंटर ऑफ इच स्पेस बी इज ऑन द फेस एंड ए जो है इट इज ऑक्यूपाइंग सो सिंपल सेंटर ऑफ द फेस यानी हाफ इंटू सिक्स एंड ए इज इन कॉर्नर वन एट इंटू एट दैट इज वन एंड दिस इज थ्री सो क्या आएगा रेशो ए इज टू बी One is to three, so it is A B3. A B3 is which option? A option. We'll, do, we'll move on to next question 52. In primitive cubic unit cell of closed pack atom, radius of atom in, te in terms of edge length A. In terms of edge length A of unit cell is. सिंपल के लिए पूछा है वॉट इज द रिलेशन फॉर सिंपल ए इज इक्वल टू टू आर सो देअ इक्वल टू ए बाई टू सो इट इज बी ऑप्शन क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ एल्यूमिनियम है इट्स डेन्सिटी इज टू पॉइंट सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दूनिट सेल इज तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं एम दिया है ट्वेंटी सेवन ग्राम पर मोल इतना सब तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं अभी ये प्रैक्टिस सेशन है तुम लोग को क्लिक होना चाहिए कैसा यू सॉल्व करना है कौन सा फॉर्मूला करना है इसीलिए ये सब मैं लिख रही हूँ अदरवाइज तुम लोग को डायरेक्टली ही सॉल्व करना है एंड यू हैव टू कैलुलेट यूनिट सेल तो मुझे जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा तब भी मुझे मालूम पड़ेगा अभी यू कैन सी दिस इज इन ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इज इन पीकोमीटर सो ये कितना टेन सेंटीमीटर कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे हम लोग डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन एड कैलकुलेट करना है सो जेड विल बिकम हाउ मच

23 थ्री डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन सो ये ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कैंसल हो गया सो so, ये फोर जीरो फाइव क्यूब इनटू सिक्स पॉइंट जीरो टू करना है इनटू ये कितना हो जाएगा माइनस सेवन दिस इज माइनस एट नाउ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस तुम लोग को आंसर आ जाएगा फोर सो फोर यानी एफ सी सी सो इट इज बी आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑल ऑफ यू आई होप तुम लोग को समझ में आए ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने बोर्ड्स में भी प्रैक्टिस किए हुए हैं सो so आना ही चाहिए समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो क्या दिया हुआ है अ सबस्टेंस हैज अ डेंसिटी ऑफ वन

एफ सी सी है इसका मतलब जेड इज फोर ए इज सिक्स थर्टी पीकोमीटर तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ सिक्स थर्टी इंटू टेन रेज टू माइनस टेन सेंटीमीटर एंड मुझे मोलार मास कैलकुलेट करना है कैपिटल एम जमाना so, वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जेड z जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एक्टू एन ए कैलकुलेट क्या करने का है एम सो एम विल बी डी इंटू ए क्यूब इंटू एन ए डिवाइड बाय जेड अभी ये सब वैल्यूज को हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं वन पॉइंट नाइन एट फोर सिक्स थर्टी इंटू टेन रेस टू माइनस टेन द होल क्यूब इंटू एवेगेड्रो नंबर तो मैं सिक्स पॉइंट जीरो टू ही लिखती हूं यहाँ पे डिवाइड बाय फोर ठीक है सो so, m विल बी मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देती हूँ टी द होल क्यूब इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी इंटू सिक्स जीरो टू इंटू टेन रेश टू ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाय फोर सो ये वन पॉइंट नाइन एट फोर इंटू सिक्स थर्टी दि होल क्यूब इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू 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 नहीं एक ही टू इन टू टेन रेस्टू कितना आएगा ये सेवन माइनस सेवन डिवाइड बाय फोर सो अभी सब लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे वीडियो को पॉज करेंगे ऑल ऑफ यू विल पॉज माय वीडियो एंड यू विल डू दिस कैलकुलेशन एंड यू विल क्रॉस चेक योर आंसर विथ माय आंसर सो कितना आ रहा है यहाँ पे मोलार मास सबको सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन जीरो दैट इज सी ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं सबको कैलकुलेशंस करने आना ही चाहिए, एकदम कंपलसरी है ये। हाउ मेनी, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन क्यूबिक शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ एनएसीएल ऑफ मास वन ग्राम सो एन एसीएल एन ए सी एल का मास कितना होता है अभी अपने को कैलकुलेट इन लोग ने क्या करने बोला है नंबर ऑफ यूनिट सेल तो सबसे पहले मैं मोलार मास कैलकुलेट करती हूँ एन ए सी एल द्वेंटी थ्री प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव कितना होता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव अभी फिफ्टी एट पॉइंट फाइव ग्राम्स के अंदर कितने यूनिट सेल्स रहते हैं

आंसर कितना आता है जीरो पॉइंट वन जीरो टू नाइन टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री एटम्स ओके अभी आगे कैलकुलेट करते हैं अगर वन यूनिट सेल अभी सबको पता होना चाहिए एन जो है वो एफ होता है तो एक यूनिट सेल में चार एटम्स आएंगे हाउ मेनी फोर एटम्स सो इफ यू हैव वन जीरो टू नाइन इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी थ्री एटम्स तो उसके लिए कितने यूनिट सेल चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इट विल बी जीरो पॉइंट वन जीरो टू नाइन इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाय फोर हाउ मच जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इंटू टेन रेस टू ट्वेंटी थ्री सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दैट इज इसको मैंने शिफ्ट किया है यहाँ पे दो नंबर से तो इट विल बिकम टू पॉइंट फाइव इंटू टेन रेज टू ट्वेंटी वन सो आंसर इज डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एच लेंथ ऑफ क्यूब इज 400 पिकोमीटर इट्स बॉडी डायगनल वुड बी सो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है एच लेंथ दिया हुआ है व्हाट इज गिवन एच लेंथ 400 ए दिया हुआ है और अपने को बॉडी डायग्नल निकालना है सो बॉडी डायग्नल का क्या फॉर्मूला है वी हैव डन ना ये फॉर्मूला इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए फॉर बीसीसी उसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया है क्या है लेंथ स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर प्लस विथ स्क्वायर और ये क्यूब है इसीलिए ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी सो बॉडी डायगनल का फॉर्मूला क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ थ्री ए स्क्वेर सो इसको मैं ए रूट थ्री लिख सकती हूँ और ए दिया है ना फोर हंड्रेड तो क्या आएगा बॉडी डायगनल फोर हंड्रेड इन टू रूट थ्री इज़ टू चलो सब लोग मल्टीप्लाई करो फटाफट मल्टीप्लाई करो पॉज पॉज करो मेरा वीडियो एंड यू मल्टीप्लाई एंड क्रॉस चेक योर आंसर विथ माई आंसर सो इट विल बिकम हाउ मच सिक्स नाइनटी टू पॉइंट एट पीकोमीटर

क्रिस्टलाइजेस इन सिंपल क्यूब इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज सेवन पॉइंट टू वॉट इज द रेडियस अभी अपने को यहाँ पे डेंसिटी से रेडियस निकालना है तो ये समा बड़ा है लेंदी है बट कोई बात नहीं हम लोग करेंगे इसको सो so, uh, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डेंसिटी वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं डेंसिटी इज जमाना जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए तो आर निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए चाहिए तो ए विल बी वॉट विल बी जेड इंटू एम अपॉन डी इंटू एन ए क्यूब रूट जिसको मैं वन बाय थ्री भी लिख सकती हूँ आई कैन राइट इट एज वन बाय थ्री सो ए इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करती हूँ मैं सारा डेटा तो ये क्या दिया हुआ है इट इज अंपल क्यूब यानी z कितना है One है। इंटू मासन रेस टू ट्वेंटी थ्री अभी मैं ट्वेंटी थ्री को ऊपर लेके जाती हूँ ट्वेंटी इसका सेवन पॉइंट टू का सेवेंटी टू करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी वन अभी ट्वेंटी वन और वन बाय थ्री इज इन टू टेन टू माइनस सेवन ये बाहर आ गया और अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो सब लोग इसका कैलकुलेशन करो फटाफट पॉज माय वीडियो ऑल ऑफ यू पॉज इट एंड डू दिस कैलकुलेशन फास्ट और मेरे साथ में आंसर चेक करो तो इसका जो ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय सेवेंटी टू इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू है इसका आंसर आता है जीरो पॉइंट जीरो फाइव सेवन रेश टू वन बाय थ्री इंटू टेन रेश टू माइनस सेवन अब इसका क्यूब रूट निकालो इट विल कम जीरो पॉइंट थ्री एट सिक्स थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस सेवन अभी और एक चीज यानी इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन तुम्हारे एक्चुअल सीटी एग्जाम में नहीं आएगा ओके okay? अभी ये सिर्फ तुम्हारा कैलकुलेशन प्रैक्टिस है इसीलिए ये कैलकुलेशंस तुम लोग को करने हैं नो वन विल यूज कैलकुलेटर बिकॉज कैलसी इज नॉट अलाउड इन सीटी एग्जाम सो तुम लोग को ये मैन्युअली कैलकुलेशन करना है अभी जो कैलसी यूज करके कैलकुलेशन करेगा वो लास्ट में पछताएगा

जीरो पॉइंट थ्री इंटू टेन रेश टू माइनस सेवन अभी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर आएगा दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर सो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना वन पॉइंट नाइन थ्री इंटू टेन रेश टू माइनस एट सेंटीमीटर सो इसका आंसर क्या है बी है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन so there is no next question this was uh, the last question for this video lecture and your homework is you will solve marvel question number 1 to 89 in your homework and i want this homework with solution jaha pe bhi solution jaha pe bhi numerical hai mujhe solution homework में चाहिए. theory hai if you will write down the explanation it will be uh, बेटर मीन्स बेस्ट रहेगा अगर तुम थियोरी के लिए एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे मीन्स अगर बोलते हैं कि ए ऑप्शन करेक्ट है तो ए क्यू करेक्ट है बी सी डी क्यू रॉन्ग है अगर तुम ये अभी से करोगे तो तुम तुम्हें फिर बाद में लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड मेक सेपरेट नोटबुक फॉर दी होमवर्क सो दैट यू कैन रेफर दैट लेटर ऑन ओके तो uh, सॉल्व करके आओ और जहां पे भी न्यूमेरिकल से मुझे सोल्यूशन चाहिए मुझे पीछे का आंसर की कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए वन बी टू सी थ्री डी ये अगर जिसका भी होमवर्क ऐसे पैटर्न में रहेगा मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगी होमवर्क ऐसा दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू ठीक है अब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ओके टिल देन बाय बाय टेक केयर डू होमवर्क एंड कम इट इज वेरी कंपल्सरी Tchau, bye bye.